अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक हैं? आज मैं आपके लिए दाल और लौकी बना रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। एक पाव दाल ले ली मैंने, दो अदद लौकी ले ली मैंने, दो बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए, दो चम्मच अदरक लहसुन ले लिया, चार पांच हरी मिर्ची ले ली, थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया, आधी चम्मच गरम मसाला, दो तीन टुकड़े दालचीनी के, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच पिसी हुई मिर्ची। चलें फ्रेंड, अब मैं दाल को बॉईल करने के लिए रखती हूँ। आधी देच की पानी ले लें और उसमें दाल डाल के 15-20 मिनट तक बॉईल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी हाफ बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसमें लौकी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10-15 मिनट लौकी को भी बॉईल करूंगी। दाल हमारी बॉईल हो चुकी है, अब मैंने इसको बॉल में निकाल लिया है। अब दाल के लिए मसाला तैयार करेंगे। देचकी में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो दो अदद प्याज मैंने काटा था इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का हल्का भून लें आप, फिर उसके बाद अब इसमें तमाम मसाले बारी बारी ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह चम्मच चलाएं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। सुंदर पानी है। अब उस वक्त तक पकने दें जब तक मसाला मैश ना हो जाए। मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पकाएं। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये थी हमारी आज की रेसिपी, दाल और लौकी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल देसी होम फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।